नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर टॉक में। आज हम करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोयम द स्नेर, विच इज़ रिटन बाई जेम्स स्टीफेंस। तो फ्रेंड्स, स्नेर का मतलब होता है जाल। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पोयम के अंदर, जेम्स स्टीफेंस उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसके अंदर एक रैबिट स्नेर के अंदर फंसा हुआ है और वो हेल्प के लिए चीख रहा है, पुकार रहा है, रो रहा है। और उससे जो पोएट की फीलिंग है, इमोशंस है, जो उसकी सिंपैथी है, उसको एक्सप्लेन किया गया इन चारों स्टैंजा के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एम्बिक टेट्रामीटर जो प्रॉपर्टी होती है रिटन राइटिंग स्टाइल की, उसको यूज़ किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो हर स्टैंजा है उसकी लास्ट लाइन नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन सेम होगी। जैसे ये देखो, फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, और सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन सेम वही है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो ये जो राइटिंग स्टाइल है इसको बोलते हैं एम्बिक टेट्रामीटर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। तो अब आते हैं मेन कंसेप्ट, मेन क्या पोएम है क्या इसमें। तो इसमें पोएट फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा है, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो पोएट जंगल में घूम रहा है तो कह रहा है, मैं एक अचानक से दर्द भरी आवाज़ सुनता हूँ और उसको लगता है कोई रैबिट है, कोई खरगोश है जो दर्द के अंदर फंसा हुआ है, जाल के अंदर फंसा हुआ है, जो चीख रहा है। फिर वो थोड़ा आगे चलता है, फिर से उसको एक बार आवाज़ सुनाई देती है, पर वो लग कह रहा है कि मेरे को फिर से आवाज़ सुनाई दे रही, पर पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रही है ना। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वो कह रहा है कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो हेल्प करने के लिए पुकार रहा है, वो उसकी सहायता के लिए पुकार रहा है रैबिट कि मेरी सहायता करो, चीख के उसकी आवाज़ से ऐसा पोएट को लग रहा है कि वो सहायता के लिए पुकार रहा है। पर पोएट क्या कह रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसके लिए सहानुभूति प्रदर्शित कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है उसके लिए। तो पोएट की इन इमोशंस का एक्सप्लेनेशन हुआ है यहाँ पे कि पोएट है जो एनिमल्स के लिए बहुत सिंपैथी रखता है, उनके लिए बहुत पोलाइट है वो, पर उसको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से साउट आउट कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, वो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो थर्ड लाइन क्या, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, तो जो खरगोश जब चीख रहा है तो जो सारा वातावरण है वो भयावह हो गया, पूरे वातावरण में डर फैल चुका है। मतलब ये खरगोश के जो चीखने की क्वालिटी है उसको बता रहा है कि उतना दर्द में है कि पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा एटमोसफेयर है जंगल का, वो दर्द से भर चुका है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा क्या है, वापस से देखो, एम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। तो इस स्टैंजा में पोएट की सिंपैथी एक अल्ट्रा लेवल पे एक्सप्लेन हुई है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग उसके अंदर इमोशंस है एनिमल्स के लिए। तो इसमें वो बता रहा है कि हर चीज़ क्या हो रही है, हर चीज़ बेहतर हो रखी है, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। तो पोएट को उसकी आवाज़ से ऐसा वो महसूस कर रहा है कि उसके जो फेस की चमड़ी है वो लटक चुकी है और फिर वो सहायता के लिए फिर से पुकार रहा है, पर वो अभी भी पता नहीं कर पा रहा है वो कहाँ से पुकार रहा है, कहाँ से आ रही है उसकी आवाज़, उसको पता नहीं चल रहा है। फिर एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ इज़ इन द स्नेर, लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। और यहाँ पोएट कह रहे हैं, अरे भाई मेरे को पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे उसका पैर फंसा, कहाँ पे उसका पंजा जाल के अंदर फंसा हुआ है, मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ, दिख नहीं रहा है वो उसको लिटिल वन बोल के उसको पुकार रहा है, भाई खरगोश तेरी मदद के लिए मैं तैयार हूँ पर तू मिल नहीं रहा, तू है कहाँ पे, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ तेरी सहायता के लिए, हर जगह मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, इधर से उधर देख रहा हूँ पर तू मिल नहीं पा रहा है। तो एक चीज़ का एक्सप्लेन करिए, पोएट की पोलाइटनेस, पोएट के अंदर एक जो फीलिंग है एनिमल्स के लिए उसका एक्सप्लेन कर रही है। और ये जो लास्ट स्टैंजा है इससे पोएट है ना जो मैन की क्रूलिटी है उसको भी बता रहा है, कैसे कि लिटिल वन ओ लिटिल वन, इसका मतलब क्या, लिटिल वन ये क्या कह रहा है, लिटिल वन इसने थोड़ा ना का रैबिट है, इसने लिटिल वन को एक सिंबॉलिक वे में यूज़ किया है कि एक बच्चा, जैसे एक बच्चा है जो कोई डाकू से कोई चोर के द्वारा पकड़ा गया, किडनैप किया गया है, उसकी आवाज़ों को वो एक्सप्लेन करके इस चंजा में बता रहा है। तो उससे रिलेट करके इसने बताया कि मैन इतना क्रूल हो गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए एनिमल्स तक को भी ट्रैप करके रखता है। तो ये इसका मॉरल हो गया। और इस पोएम से अपन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मॉरल मिलता है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जरूरी है, उसको सेफ रखें, एनिमल्स को ट्रैप ना करें, हंटिंग नहीं करनी चाहिए इनोसेंट एनिमल्स की जिससे उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। बस इतना ही है और क्या, क्या द स्नेर पोएम है जेम्स स्टीफेंस की, इसमें एम्बिक टेट्रामीटर यूज़ हो रखा है, इस चीज़ को ना भूलें।
और ये पहले तीन स्टेंजा में, उसमें फोर्थ स्टेंजा में पोएट ने जो रैबिट है उसको ह्यूमन से कोरिलेट करके बताया है, और वो उसको कह रहा है आई एम सर्चिंग एवरीवेयर पर मैं तेरे को पता नहीं कर पा रहा हूँ है कहाँ पे तू। तो एंड के अंदर पोएट बहुत पैनिक रहता है, बहुत टेंस्ड रहता है, उसको पता नहीं चलता रैबिट है कहाँ पे एग्जैक्टली। दैट्स द पोएम। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में इन टेक्स्ट, टेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं। और जल्द ही मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, अभी है 10 दिन, इसके बाद मैं जल्दी एक नेक्स्ट पोएम है जो अपनी द होप, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीच एंड टॉक की लेटेस्ट वीडियोज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स अगेन, जय हिंद, जय भारत।